नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के एक सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे बेबी पेंगुइन यानी आदित्य ठाकरे अब जेल जाने वाले हैं क्योंकि उन पे लगे हैं गंभीर आरोप। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का फैसला सीबीआई तो कर नहीं पाई, लेकिन ऐसा लगता है कि एसएसआर को न्याय मिल के ही रहेगा। ये पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आदित्य ठाकरे अब खतरे में, केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच की गुहार लगाई है। जब आदित्य ठाकरे पर्यावरण मंत्री थे तब उन्होंने नवी मुंबई के एक मंदिर को एक प्लॉट दिया था और उसी फैसले की जांच अभी होने वाली है क्योंकि ये जो प्लॉट है 10 एकड़ की, उसकी कीमत है 500 करोड़। जो मंदिर के नाम पे आदित्य ठाकरे ने घोटाला किया है उसका पर्दाफाश हो चुका है। 10 एकड़ के प्लॉट की जो ट्रांसफर हुई है उसको लेके अभी जांच की आदेश दी गई है और आदित्य ठाकरे पे आरोप ये लगा है कि CRZ1 टाइप में इस प्लॉट को मंदिर को देके फ्रॉड की गई है। जांच के आदेश अभी दिए गए हैं और आदित्य ठाकरे बहुत जल्द हो सकते हैं जेल के अंदर। केंद्र सरकार के रडार पे अब आदित्य ठाकरे आ चुके हैं और अभी आदित्य ठाकरे इतनी आसानी से बच नहीं पाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद तो आदित्य ठाकरे 2 सालों तक बच गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्द आदित्य ठाकरे होंगे गिरफ्तार। जैसे आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, एक्स पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे और एक्स पॉलिटिशियन नवाब मलिक भी जेल के सलाखों के पीछे है और शिवसेना के भोपू यानी संजय राउत भी है सलाखों के पीछे। अभी अगला नंबर आने वाला है आदित्य ठाकरे का। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद आदित्य ठाकरे पे बहुत सारी उंगलियां उठी थी, लेकिन आदित्य ठाकरे अपने पावर के दम पे, अपने पिताजी के दम पे, अपने दद्दू के दम पे बहुत दिनों तक बच रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि टाइम आ चुका है और सुशांत के साथ जो चीज हुई है उसका बदला ऊपर से कोई ले रहा है और बहुत जल्द फैसला होके ही रहेगा। आप लोगों को क्या लगता है वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद एंड जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।